Yes, class. Hello, everyone. Hope so all are having a good class. As you know that it's going a very pandemic situations. Again, COVID-19 is spreading all around us. So, class, please stay at your home and study hard. Today we will start a little thoughts, a good thoughts. Which was given by अल्बर्ट आइंस्टीन. ये लाइन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का है. इट इज सेइंग दैट इट्स नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट. आप कितने स्मार्ट हो ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट. इट्स नॉट अ मेजरमेंट टूल है ना कि हाउ मच वी आर स्मार्ट. ये मेजर करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है. स्मार्ट होने के साथ साथ क्लास इट्स जस्ट दैट आई स्टे विथ द प्रॉब्लम्स लॉन्गर. प्रॉब्लम आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी पर तरह का सिचुएशंस है, तो क्लास हाउ यू आर हैंडल इट, दैट इज द बिगेस्ट थिंग्स. आप इस सिचुएशन से में रह करके भी, अगर अभी हमारे पास COVID-19 चल रहा है ना, तो इस सिचुएशन से को हम किस तरह से हैंडल करेंगे. इस सिचुएशन में भी हाउ विल कंटिन्यू आर स्टडी, दैट इज द बिगेस्ट थिंग्स. हमारा जो होता है पढ़ाई बिल्कुल डाउन नहीं जानी चाहिए, है ना. इसी थॉट के साथ क्लास वी विल स्टार्ट आर चैप्टर्स, है ना. दैट इज द लिनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल. एज यू नो दैट कि वी आई हैव फिनिश्ड टू चैप्टर्स, दैट इज द वन इज रियल नंबर एंड अदर इज अ पॉलीनोमियल्स एंड वॉट एवर प्रॉब्लम्स वी हैव ऑलरेडी डन. सो क्लास इट्स आवर थर्ड चैप्टर्स दैट इज द लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से दैट कि वॉट इज द लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशंस क्या होता है ना. लीनियर इक्वेशंस किसको कहते हैं क्लास. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पॉलीनोमियल्स. पॉलीनोमियल्स में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है. यू आर थिंकिंग दैट जैसे ही मैं ये क्वेश्चंस करता हूँ, है ना, डेफिनेटली वन थिंग्स कम इन योर माइंड. क्या कि लीनियर इक्वेशंस मीन्स डिग्री वन. किसी भी इक्वेशंस की अगर डिग्री वन है, then what we can say that is the linear equation. Suppose that I have ax plus b equal to 0. What kinds of equations? Linear equations, इसको हम लोग बोलते हैं one variable, है ना. Linear equations one variable. Then sir, what is the linear equations two variable? And you know that class कि one variable or two variable. One variable means x, or two variable मतलब कोई और एक अदर सिंबल्स होगा, है ना. तो क्लास वी कैन रिप्रेजेंट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. दिस इज द लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स. ये लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल है. और क्यों, व्हाई वी आर सेइंग दैट कि इट्स अ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स क्यों बोला जाता है. यू वेल नो कि इसकी डिग्री कितनी है, वन डिग्री. इफ एनी इक्वेशंस हैविंग डिग्री वन, we can say that it's a linear equations. अब देखो linear equations one variable था, then solutions will also one, है ना. solutions one linear equations one variable one degree, है ना. linear equations one variable one degree, एक variable एक degree होनी चाहिए. तब इसकी solutions कितनी आ रही थी, one. ax equal to minus b और x is equal to minus b upon a. It is the, देखो, linear equations one variable one degree, है ना. linear equations एक variable है एक degree होगा. if linear equations having two variable one degree, तो variable two है तो class obviously you will find the value of two, है ना. अब हम लोग polynomials में क्या पढ़े थे class, ax square plus bx plus c equal to zero. Sir, it is also linear equations. It is a
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वन वेरिएबल, तो यहां पर भी तो इसके भी दो सॉल्यूशन आ रहे थे। यस क्लास, ऑब्वियसली डेफिनेटली आएगा। क्यों? क्योंकि डिग्री कितना होता है? टू, है ना। डिग्री इसकी कितनी है? टू, तो टू है तो दो वैल्यू। इसमें सर डिग्री वन है, डिग्री क्या है? वन है, बट क्लास वेरिएबल टू है, सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल, है ना। तो ये जो होता है वेरी क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड दैट क्लास कि लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल और ये पॉलिनोमियल्स दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या? इसका भी दो सॉल्यूशन आ रहा है, इसका भी दो सॉल्यूशन आ रहा है। व्हाई इट्स हैविंग टू सॉल्यूशंस? बिकॉज इट्स हैविंग अ टू वेरिएबल। और व्हाई इट्स हैविंग अ ये व्हाई इट्स हैविंग अ टू सॉल्यूशंस? क्यों इसका दो सॉल्यूशन है? दो सॉल्यूशंस है क्योंकि डिग्री टू है क्लास, क्लियर है। तो या तो डिग्री टू हो तभी भी दो, अगर वेरिएबल टू हो तभी भी सॉल्यूशंस टू ही आएगा, अगर वेरिएबल थ्री है तो थ्री सॉल्यूशंस आएंगे। यस क्लास, लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल टू वेरिएबल सबको समझ में आ गया होगा, होप सो क्लास। नाउ वी विल से अबाउट द, अब देखो यहाँ these all things we have already studied in 9th class, we have already studied 9th class में ये सब सारे चीज we have already studied linear equations one variable। हाँ यहाँ पे जो हमें पढ़ना है pair of linear equations, है ना, क्या पढ़ना है 10th में? pair of linear equations two variable, है ना, pair of linear equations two variable। तो यानी यहाँ पे जो हमें दिया रहेगा, देखो व्हाट वी हैव स्टडीड इन द नाइन्थ क्लास में हमें क्या, हमने क्या पढ़ा था और यहाँ पर क्या पढ़ा था, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता दूं, आपको याद दिला दूं, है ना, कि व्हाट वी हैव स्टडीड। अब देखो कोई भी एक इक्वेशन है क्लास एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, है ना, तो सॉल्यूशंस की बात होगा कि हाउ वी कैन सॉल्व। इसमें तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में वी हैव सॉल्व बाय दिस मेथड, सिंपली हमने इस मेथड से सॉल्व कर दिया वन वेरिएबल्स को, लेकिन प्रॉब्लम टू वेरिएबल्स हाउ वी कैन से सॉल्व इट्स बाय द, हाउ वी कैन से सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल। इसमें दो वेरिएबल है तो क्या करूं, अब तो ये कर रहा हूं एक्स इक्वल टू टू माइनस वाई, अब क्या करूं, अब कुछ नहीं कर। तो क्लास इसके दो मेथड्स हैं, इट्स हैविंग टू मेथड्स, वी विल सॉल्व बाय द ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। कौन सा? ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड्स और अलजेब्रिक मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड में सिंपली व्हाट वी आर सेइंग दैट, देखो क्या करते हैं ग्राफिकल मेथड में, पहले एक कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूं एग्जाम्पल्स के साथ, ए वी विल सॉल्व ना, दैट इज द इजी फॉर यू, आपके लिए भी इजी हो जाएगा और हमारे लिए भी कि समझाना। सो क्लास लेट अस वी विल टेक अ एग्जांपल। क्लास नाउ इट्स अ टू वेरिएबल, अब देखो दो इक्वेशंस है ना, वन वेरिएबल के साथ जो वन वेरिएबल होंगे उसके साथ हम कैसे कर रहे थे, अब नाउ इट्स अ हैविंग अ टू वेरिएबल क्लास, How you will solve the two variable? देखो दो variables में हम लोग जो होता है देखते हैं कि पहले first we will talk about the linear equations class. We are saying about the situations or solving of the linear equations two variable. Two variables पे अब देखो या तो हम compare करके करें, algebraic method क्या होगा वो भी मैं discuss करूंगा और ग्राफिकल मेथड क्या होगा। तो देखो इसमें ग्राफिकल मेथड क्या होता है कि जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, है ना, सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देख ही लेते हैं दो मिनट में क्या लग रहा है। टू एक्स माइनस थ्री बाय टू एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस फोर प्लस थ्री वाई, और एक्स इक्वल टू माइनस फोर प्लस थ्री वाई अपॉन टू,
तो देखो x की वैल्यू अगर हम लोग कुछ भी रखते हैं ऐसा लिख, हमेशा होल नंबर में रखना क्ला, देखो फ्रैक्शन में आ सकता है। सपोज दैट इफ वी आर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -4 और 3 3 इंटू वन अपॉन टू। अब ये क्या होगा, दैट इज द -4 -3 अप सॉरी +3 अपॉन टू, ये -1 अपॉन टू। अब -1 अपॉन टू पॉइंट में आ गया क्लास, तो पॉइंट में इसमें रिप्रेजेंट करने में अब हमें पॉइंट ढूंढना, रिप्रेजेंटेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास, बट वी विल लुक एट कि पॉइंट ये कितना हो गया 0.5, तो -0। अब -2.0.225 अगर ऐसा आ जाता 0.225 देन व्हाट यू विल डू, तब हम लोग क्या करेंगे, अगर 0.225 आ गया 0.225 अगर आ जाता है क्लास, देन व्हाट यू विल, फिर ढूंढना लाइन ढूंढना पड़ेगा। इससे अच्छा व्हाट व्हाई वी नॉट डू टेकिंग इन अ होल नंबर, ऐसा कुछ एडजस्ट करते हैं कि दैट विल गिव्स वैल्यू इन होल नंबर, होल नंबर में वैल्यू दे दे, ऐसा कुछ हम लोग करते हैं। तो जो क्लास हाउ वी कैन डू इट, दैट इज सपोज वाई इक्वल, वी हैव टेकन वाई इक्वल टू जीरो, वाई जीरो लेते हो तो क्या देता है, -4 +3 इंटू जीरो अपॉन टू, देन व्हाट हैपन -2 -4 अपॉन टू, दैट्स -2, ये -2 हो गया। अब फिर क्या हो जाएगा, एक और कोई दो, कम से कम मिनिमम तीन वैल्यू ले लो, है ना, मिनिमम वैसे दो पे भी काम चल जाएंगे, है ना, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टू पॉइंट इज द एनफ पॉइंट, है ना। तो देखो एक तो ये हो गया -2, अब ये क्या कितना हो गया, -2 के बाद में आपको मैं बता दूं कोई और एक ऐसा वैल्यू लेता हूं जिससे 2 ले लेता हूं, y इक्वल टू टू, देन x का वैल्यू क्या आ रहा है, -4 +3 इंटू टू, कितना आया क्लास, दैट इज द अपॉन टू, तो -4 और +6 अपॉन टू, कितना आ गया 2 अपॉन टू, कितना आया 1। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो दो वैल्यू आती, तो इसकी जो हमें दो वैल्यू आ रही, मैं इस साइड लिख लेता हूं इस इक्वेशंस के आगे, ठीक है ना क्लास, दिस इज ये हमारा है एक्स और इट्स अ वाई। अगर हम लोगों ने वाई की वैल्यू 0 लिया तो एक्स क्या आ गया, -2, और इफ वी हैव टेकन वाई इक्वल टू टू देन वी गॉट 1, है ना, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1 आ रखी है क्लास। अब यही काम जो होता है, एक पॉइंट और निकालूं क्या, चलो निकाल लेता हूं, देख लेता हूं इसी के आसपास कोई 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 होना चाहिए बस, और कुछ है नहीं क्लास। तो लेट अस देखो नेक्स्ट, ये 3 है तो -2 ले लेता हूं, एक्स का वैल्यू वाई इक्वल टू -2 लेता हूं, ठीक है ना, तब क्या होता है, एक्स इक्वल टू -4 +3 इंटू -2, देन व्हाट हैपेंस अपॉन टू, प्लस -4 और -6 अपॉन टू, तो ये कितना आ जाएगा, -5। तो चलिए एक और ले लिया है तो लिख ही लूं, और ये वैल्यू है दैट इज द -2 और -5, इट्स गिव्स -5। ये हमारे पास जो होता है तीन सॉल्यूशंस, तीन वैल्यू आ गया। उसके बाद में फिर क्या करूंगा, प्लस ये 2x प्लस y, है ना, तो y इक्वल टू क्या है, वी कैन राइट है, ले लेता हूं 4 माइनस 2x, इसको इधर भेज दिया, x की वैल्यू रख लेते, किसी का वैल्यू आगे पीछे इसको हम लोग कर सकते हैं, x के लिए भी y के लिए भी जैसे इच्छा है यू कैन डू इट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ ये क्या हो गया, वाई इक्वल टू देन 4 माइनस x का वैल्यू क्या लू, चलो x की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं,
ठीक है ना। देन y की वैल्यू कितने, 2 इंटू 1 और ये हो गया 4 माइनस 2 इक्वल टू 1, सॉरी 2 है ना 4 में। अब ये जो होता है अगर हम लोग x की वैल्यू 0 ले लूं तब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, एक वैल्यू और कोई भी कोई सर ले लो प्लस x इक्वल टू अगर मैं 2 लूं तब क्या दे देगा, y इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 2 यानी 0, ठीक है ना। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 लिया तो x की वैल्यू 0, 2 2 जा 4 है ना, प्लस हो गया। अब देखो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं इस इक्वेशन के लिए क्या हो गया भाई, ये दिस इज x और दिस इज y, x कितना है बताओ, हमने पहली बार में 1 लिया था तो कितना आया, 2 आया। इफ वी हैव टेकन x इज इक्वल टू 0 व्हाट वी गेट, 4। If we have taken x is equal to 2, what we have get, that is the, क्या मेरे पास आया, मेरे पास आ गया 0, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू 2 लेता हूं तो 0, ये तीनों हो गया। Now we will draw the graph, अब हम graph को draw करते हैं और दिखाता हूं कि how it's look like, yes class, now look here. ये क्या हो गया, अब हमारे पास जो होता है दिस वन इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज एक्स डैश, दिस वन वाई और दिस वन वाई डैश। आपको पता है इधर माइनस होता है सब में, यू वेल नो अबाउट दिस, सबको पता है कि इधर माइनस है, लिखा हो जाना। तो क्लास फर्स्ट पॉइंट 0 एंड माइनस 2, तो 0 और माइनस 2 तो एक्स एक्सिस पे है क्लास, तो वेयर इज द पॉइंट, दिस वन 0, सॉरी 2 माइनस 2 और माइनस 2 और 0, हमारा ये पॉइंट हो गया 1 एंड 2, तो x एक्सिस पे 1 है ना और y एक्सिस पे 2 है ना, ये 1 एंड 2। अब देखो x एक्सिस y एक्सिस पे माइनस फाइव और माइनस टू, तो माइनस फाइव और एक्स एक्सिस पे माइनस फाइव और प्लस माइनस टू यानी ये यहां और ये यहां, थोड़ा सा ऊपर लग रहा है ये हो जाएगा माइनस फाइव और माइनस टू प्लस, और हमारा ग्राफ हो गया। मैं तो फ्री हैंड से कर रहा हूं, आप लोग जो होता है थोड़ा सा है ना, ये आपका ग्राफ होगा बिल्कुल स्ट्रेट होगा क्लास, है ना। व्हेन यू विल ड्रॉ ऑन योर ग्राफ पेपर ना, इट विल स्ट्रेट, ये बिल्कुल जो होता है स्ट्रेट जाएगा, है ना। और ये हो गया 1 और 2, 1 एंड 2 ये तो यहां पे है ही इस सिचुएशंस पे क्लास, 0 और 4, 0 यानी y एक्सिस पे ये 0 है ना और 4 आ गया क्लास, y एक्सिस पे आएगा 2 एंड 0, तो 2 x एक्सिस पे 2 एंड 0, 2 एंड 0 दिस वन। और इसका जो ग्राफ होगा क्लास ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होगा, व्हेन यू विल ड्रॉ ऑन द ग्राफ पेपर ना, आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके देखना, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, है ना। तो ट्राई टू दिस, है ना, मैंने जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट को ही आप जो होता है एक बार अपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके देखना, है ना, हाउ इट्स लुक लाइक, है ना,
मैंने तो बोर्ड पे आपको करके दिखाया क्लास, बट यू विल डू एट योर। देखो तीन तीन सिचुएशंस इसके बनते हैं ग्राफ पर। या तो आपका जो होता है इस तरह से क्रॉस बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब हो गया, देखो ये जो 1 2 1 2 जो हमारा आया, इट्स अ सॉल्यूशन। यस क्लास, देन आई एम सेइंग दैट कि ये तीन टाइप का है ना, थ्री टाइप्स के आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। ये जो यहाँ पे जो कटिंग पॉइंट हो गया ना 1 2 1 2, तो यहाँ पे हो गया एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन। ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन का ये जो आया पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट आया क्लास, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसी को एक्स की वैल्यू आप जब अलजेब्रिक मेथड से भी करोगे ना, तभी भी यही आने, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, कुछ भी कर लो आप ऐसे ही आएगा। तो एक तो आपको जो होता है ऐसा मिलेगा ग्राफ, और एक इस टाइप का ग्राफ मिलेगा है ना, इस टाइप का, यानी कि पैरेलल, ये दोनों का पैरेलल। इसमें नो सॉल्यूशंस होता है, किसी भी तरह का सॉल्यूशंस नहीं होता। और तीसरी टाइप का जो ग्राफ आपके पास मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा ये। तो जो ओवरलैप करता है उसको हम लोग कंसिस्टेंट करते हैं। अभी जो होता है मैं चार्ट देता हूं है ना। फर्स्ट यू विल ट्राई 2 or 3 क्वेश्चन है ना, जो वट एवर होमवर्क हैज बीन गिवन टू यू, जस्ट यू विल ट्राई कि ये जो होता है तीनों में से कौन सा सिचुएशन आपको जो होता है आया, और यू विल अपलोड इन द होमवर्क पोर्टल्स, देन आई विल से दैट कि हाउ मच इट्स करेक्ट। क्लियर है क्लास? सो वी विल नाउ आई विल गिव यू सम डेटा है ना, टू इन विच सिचुएशन सच काइंड ऑफ अ लाइन विल ड्रॉ, कैसे कैसे सिचुएशन में ये लाइन आपके पास आएंगे, इसको मैं बता रहा हूं। यस क्लास, देखो इट्स अ सिचुएशन, सपोज दैट कि इफ इफ a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0 इज अ लीनियर इक्वेशंस, टू लीनियर इक्वेशंस हमें कोई भी दिया हुआ है, टू लीनियर इक्वेशंस, देन व्हाट यू विल डू, देखो क्या होता है, पहला सीरियल नंबर 1, पहले में जो होता है कंपेयर द रेशियो, रेशियो को कंपेयर करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा क्लास। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखो, इफ a1 upon a2, इसकी कोफिशिएंट और इसकी कोफिशिएंट, a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2, इन दोनों के इक्वल नहीं हो, देन व्हाट हैपन, इंटरसेप्टिंग लाइंस, इसमें इंटरसेप्टिंग लाइन बनेगा इस तरह से है ना, ये और ऐसा आपको दिखेगा इंटरसेक्टिंग, और एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल और केवल 1 सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। और ये हो गया a1 upon a2 b1 upon b2 = c1 upon c2, अगर इन तीनों का कोफिशिएंट, ये a1 upon a2 b1 upon b2 है ना, और c1 upon c2, इफ बोथ ऑफ 3 आर इक्वल, देन इनफिनाइटली मेनी सम एंड कंसिडेंट लाइन, कंसिडेंट लाइन क्या होगा, ये लाइन है और इसी के ऊपर एक दूसरा लाइन बनेगा, कंसिडेंट लाइन क्लास, और इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे क्लास। a1 upon a2 b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2, तो इसमें कैसे होंगे, पैरेलल लाइन बनेंगे क्लास, ऐसे और ऐसे, और जब पैरेलल लाइन होंगे कहीं एक दूसरे पे कट करेगा नहीं है ना, तो ये क्या होंगे, नो सॉल्यूशंस, ठीक है ना, क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशंस, इसमें किसी भी तरह का सॉल्यूशन एक्स और वाई का सॉल्यूशंस निकाल ही नहीं पाएंगे क्लास, ठीक है क्लास। सो यू विल डू दिस है ना, और प्रैक्टिस करें, इसका एक दो एग्जाम्पल देकर के मैं समझाने का कोशिश करता हूँ क्लास। क्लास लुक है, सपोज वी हैव टेकन 2 इक्वेशंस, दिस 1 और 2, ये 2 इक्वेशंस लिया, 5x - 4y + 8,
है ना क्लास। सो ए वन अपॉन ए टू व्हाट हैपेंस, 5 अपॉन 7 इक्वल टू -4 अपॉन 6, और ये कितना हो गया 3 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। 5 अपॉन 7 और -2 अपॉन 3 बोथ आर नॉट इक्वल, इसलिए ऐसा सिचुएशंस बने, है ना। और सेकेंड वन जो होता है व्हाट इट इज सेइंग दैट 9 अपॉन 18 इक्वल टू 3 अपॉन 6 इक्वल टू 12 अपॉन 24। ये देखो 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, सारे में 1 अपॉन 2 आ रहे हैं क्लास। देन व्हाट हैपन, ये कंसिडेंट लाइन होगा। और पैरेलल वाले में देखो a1 अपॉन a2, तो 6 अपॉन 2 इक्वल टू -3 अपॉन -1, और ये क्या हो रहा है 10 अपॉन 9। तो देखो ये 3 2 जा 6 और ये प्लस, ये और ये तो दोनों इक्वल हैं, बट ये इक्वल नहीं है क्लास, है ना। सो इट्स हैविंग अ पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइंस बनेंगे क्लास। तो क्लास यू हैव अंडरस्टैंड इट डेफिनेटली, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें व्हाटएवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।